नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीबीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ एम राजा। जिला के अली नगर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां धमारा पकड़ी मुख्य मार्ग पर हुमैरा पब्लिक स्कूल से महज 100 मीटर की दूरी पर एक घटना घटी, जिसमें पकड़ी निवासी सरफराज नाम के युवक की मौत हुई है। घटना अब तक रहस्य का ही विषय बना हुआ है। सरफराज की मौत सड़क हादसे में हुई या किसी साजिश के तहत उसकी हत्या हुई है, ये सवाल पुलिस के लिए अब तक रहस्य का विषय ही बना हुआ है। परिजनों के दबाव में बेनीपुर डीएसपी उमेश्वर चौधरी ने खोजी कुत्ता भी मंगवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हो पाया। उधर घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसमें दो जवान जख्मी हो गए। उधर बेनीपुर डीएसपी ने लाश को अपने कब्जे में लेकर दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि परिजनों के शक के आधार पर थाना क्षेत्र के लीलपुर गांव से तीन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अब देखिए पूरी इस रिपोर्ट को। प्रशासन को रही है कि डेड बॉडी उठाइए, उसके बाद मैंने पोस्टमार्टम में भेजिए। तो हमने उनको बोला है कि डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, हमको जब तक आप लोग पूरा प्रक्रिया नहीं कीजिएगा तब तक डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। अभी मंत्री जी से भी बात हुआ, सिद्दीकी साहब से, उनको भी हमने सारा खबर कह दिया है। वो बोले ठीक है, हम बात करते हैं, अब उसके आगे देखिए क्या होता। भोर में हम सोए हुए थे, हमको खबर गया, फूफू मेरी बोली कि सरफराज को मार के फेंक दिया अंधरा घाट के बगल में घुमेरा से, मैंने 500 गज पश्चिम। तो हम लोग आए स्पॉट पर, देखे तो उसको एक्सीडेंटल केस बनाया, लेकिन एक्सीडेंटल केस नहीं है, क्योंकि वो जो मारा है उसका भी जूता है, ठीक है। उसके बाद मेरी बहन को भी धमकी दिया गया था, लीलपुर का क्या नाम बतलाई है, वो प्रशासन को बोल दिया गया है कि मैंने वो धमकी दिया था कि मार के तुम्हारे दूल्हा को फेंक देंगे, तो वो घटना कर दिया शायद। उसके बाद मैंने एक मोबाइल, एक गाड़ी वाला पकड़ी चौक पे आया था, लड़के सरफराज के भाई से पूछा, दिलकश से, दिलकश बतलाया कि नहीं है भैया, तो वो सरफराज को फोन लगाया तो बोला हम लीलपुर में हैं, तो बोला आप फल्ला जगह आओ, मैंने क्या नाम है उस जगह का, ननकार पे, वो गाड़ी नंबर भी प्रशासन को दे दिया गया है, डिस्कवर गाड़ी है। उसके बाद हम डीएसपी साहब से अभी बात किए, डीएसपी साहब को बोले कि भाई जब घटना पर माने मर्डर वाला का जूता है तो आप प्रशासन है, आप कुत्ता को मंगा के जूता को देखिए कहाँ का जूता है, नहीं है किसके पाँव का है, ठीक नहीं है, हत्या है, एक्सीडेंटल तो बनाया गया, हत्या है, इसलिए कि कभी भी एक्सीडेंट होता है, गाड़ी हम लोग भी एक्सीडेंट किए हैं, तो माने टंकी नहीं फटता, टंकी को फाड़ा गया, ठीक है, और एक्सीडेंटल उसको बनाया गया। मोबाइल आप बायां में एक्सीडेंट किए तो मोबाइल हेलमेट दो दो मोबाइल आपका दहिना में क्या करने किया, हेलमेट देना में क्या करने गया, जूता देना में क्या करने गया, हेडलाइट का जो फूटा हुआ टुकड़ी है, मान लीजिए जहाँ पर गाड़ी एक्सीडेंट है उससे 25-30 फीट पीछे का क्या करने आया, कुछ भी होगा तो आगे ना होगा,
एक्सीडेंटल होगा तो गाड़ी तो घिसटाएगा, गाड़ी तो घिसटाया हुआ भी नहीं है रोड पर। सोकर मामला पेश आया है रात में, ये कत्ल के पीछे लगता है कि प्री प्लानिंग के तहत की गई है, और ये कत्ल आज से 2 साल पहले सद्दाम कत्ल मामला भी इसी शातिराना अंदाज में जराइम पेशों ने अंजाम दिया था। आज जो इस क्षेत्र में कत्ल जैसा संगीन मामला सुलग रहा है, आवाम में सनसनी मची हुई है, इसके पीछे पुलिस प्रशासन की भी सुस्त रफ्तारी है, पुलिस काम नहीं करती है। और पहले से भी सीनियर एसएसपी ने भी कहा है कि ये सब जो क्षेत्र है कभी कभार गाहे बगाहे घटना घटता रहता है, यहाँ पर पुलिस की गश्त को तेज़ किया जाए, रात के हिस्सों में पुलिस को जो है यहाँ पे गश्त करनी चाहिए। और ये जो कत्ल का मामला पेश आया है, पूरे इलाके के लोग दुखी हैं और पूरे इलाके के लोग पुलिस प्रशासन से अभिलंब कहते हैं कि जो कातिल है उसको तुरंत पकड़े और सलाखों के पीछे भेजे। पुलिस से एतमाद लोगों का उठ रहा है, पुलिस अपने मामले में बहुत पीछे हट रही है, बैक फुट पर यहाँ की पुलिस आ गई है। इसलिए कत्ल का मामला, चोरी का मामला, जराइम का मामला, ये इलाका अमन और शांत इलाका है। यहाँ थे जिस तरह से दरभंगा में पुलिस इंतजामिया, जिस तरह से कत्ल के मामले में दरभंगा बहुत अमन शांति की जगह रही है, लेकिन अभी जिस तरह से एक के बाद एक कत्ल का घटना घट रहा है, कल भी एक घटना घटी है, कत्ल का मामला हुआ है, गोली से दहल रहा है, पूरा दरभंगा दहल रहा है, और दरभंगा के बाद ये ग्रामीण, ये गांव भी अब दहलने लगा है। तो ये पूरे तौर पर यहाँ जो प्रशासन, सुशासन बाबू की जो प्रशासन है, सुशासन बाबू की जो सरकार है, ये पूरे तौर पर फेल हो गई है। ये सरकार अमन कानून व्यवस्था को बनाए रखने में वर्तमान में फेल हो गई है। कत्ल का मामला हुआ करता था, पिछले 2-3 दिनों से बहुत दुख है, आज लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, डर लग रहा है। हर माँ अपने बेटे को, बच्चे को कह रही है कि बेटे बाहर नहीं जाओ, घर से बाहर नहीं जाओ। हालात इतना बिगड़ गया कि लोग जीना शांति के साथ भूल रहा है, कब किसके साथ क्या मामला, कौन घटना पेश आ जाए। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ के जो पुलिस महकमा के सीनियर अधिकारी है, वो अभिलंब सीनियर एसएसपी गरिमा मलिक को बर्खास्त करे और ऐसे एसपी को यहाँ लावे जो यहाँ क्राइम जराइम पेशों पर काबू पाए, उसको सलाखों के पीछे भेजे, कानून व्यवस्था बने, लोगों का एतमाद जो अभी पुलिस से उठ चुकी है। कल के रहा में कि तोरे भतार को मार के हम फेंक देव लीलपुर गाछी में, दमा से मरवा देव, वही मार के फेंक दिल के हर भतार पकड़ी की बेटी है, ये पुतो है, बेटी है पकड़ी की, बेटी है ससुराल, ससुराल उसकी बेटी में लीलपुर में भी आई है सर। कौन बजे से हमारे बात न हो ले, रात 8 बजे, 8 बजे रात में बात कर ले के आवा ना घर पर, तब बोल ले की का तो टेंशन लगा, आज बहुत तो टेंशन लगा से हम आ रहे हैं, 8 बजे से 9 बज गए, 9 बजे से फोन न उठल के, न फोन उठल के हमरे आ न राजा हरा बात करके हमरे, 9 बजे से निकल लिया भाई हमरे, तो 4 बजे भोर तक तब तो धुरती हो या कहूँ न मिल, अब्बा वाले तो यहाँ बदक के कल के हैया ये मोरा सपरा जी ये मोरा, तो बादे बादे तो के आलिया राजा की। 4 बजे सुबह घटना की सूचना पर हम लोग घटनास्थल पर आए हैं, आने के बाद यहाँ पर परिजनों के द्वारा बताया गया है कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से सामने बुलाने के लिए आया था, उसका पड़ताल किया जा रहा है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है जिससे संदिग्धों तक पहुंचा जा सके, उसके बाद अन्य बिंदु जो भी है उस पर भी जो है हम लोग अनुसंधान करेंगे, मामले का निर्णय करेंगे। सर घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, यहाँ के लोगों का इसलिए आक्रोश है कि घटना के पीछे जो है अब तक जो है सो कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए लोग आक्रोशित हैं। आक्रोश वाजिब है, लेकिन घटना क्या का है इसका।